हर तरफ लॉकडाउन है और कुछ जगहों पर इसकी छूट भी है। मोदी सरकार लॉकडाउन को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित है। मात्र कुछ ही दिन और बचे हैं इसके समाप्त होने में। ऐसे में सरकार की चिंता और बढ़ रही है कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद क्या होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी सोमवार यानी 27 अप्रैल को एक बार फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें एक बार फिर से पूरे देश की समीक्षा होगी और देखा जाएगा कि किस देश के किस राज्य में कैसी स्थिति है। उसके बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि मीडिया को मिली जानकारी के अनुसार 3 मई के बाद भी पीएम मोदी लॉकडाउन को लागू रखना चाहते हैं, लेकिन ग्रीन जोन वाले इलाकों को काम करने की छूट दी जा सकती है। साथ ही साथ कई और बड़े भी फैसले लिए जाएंगे। इस वक्त पूरा देश कोरोना से संक्रमित और पीड़ित है। ऐसे में देश की बागी सरकार काफी ज्यादा चिंतित है, क्योंकि जल्द से जल्द यदि कोरोना का कोई समाधान नहीं निकला तो आने वाले समय में मामला काफी नुकसानदायक हो सकता है। कोरोना को लेकर पीएम मोदी समय समय पर लोगों को संबोधित करते रहते हैं। पिछली बार भी सभी मंत्रियों की बैठक में 14 अप्रैल को एक बार फिर से पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया था और लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर 3 मई तक बढ़ाया गया। अब इस बार भी लोगों का यही प्रश्न है कि क्या फिर से 3 मई को पीएम मोदी लॉकडाउन बढ़ाने की बात करेंगे या इस बार लॉकडाउन से मुक्ति मिल जाएगी। हालात और भी ज्यादा खराब ना हो इसके लिए पीएम मोदी 3 मई को जो भी फैसला लेंगे वो आपको चैनल के द्वारा बता दिया जाएगा। फिलहाल अभी ये तय नहीं है कि लॉकडाउन बढ़ेगा या घटेगा। Thank you.